15 दिन पहले हवन करवाया है घर में बच्चे आके। 15 दिन पहले हवन करवाया किसी ने घर में, आगे आ जाए आ जाए। 15 दिन पहले हवन करवाया बच्चा आ चुका है, अरदास लगी है, अरदास लगाई हुई है माता की। पंद्रह दिन पहले सारे नहीं आएंगे, बस एक ही एक यही आएंगे अब तो। आ जाओ ज्यादा शोर मत करो शाम से आ जाओ। इतना समय लगाओगे तो बच्चों का नंबर नहीं आना है। ये वहीं पे बैठ जाओ, सवालों वहीं पे बैठ जाओ, वहां से आप तो पूछ रहे कहाँ आए हो? ऋषिकेश। घर में खुशी आई जी माँ, आपका आशीर्वाद। कल मेरा ही डाला हुआ था ना उधर जागरण में जी, जागरण में जी माँ। ये घर में तीसरा पुत्र है, प्रथम पुत्र है उसको, पुत्र का पुत्र घर में तीसरा पुत्र है बच्चे। अपने तो अपने पति हैं, पर भाइयों पे होंगे तो भाई में तीन पुत्र होंगे। हम वही माता बोल सच्चे दरबार की जय। बच्चे फैक्ट्री का कौन सा कार्य है जी माँ? फैक्ट्री का कौन सा कार्य है, किसका है? बच्चे का माँ, दो बच्चे में। बच्चे तेरे घर से पूछा आ रही है, पड़ोसियों की नहीं, तेरे घर की फैक्ट्री है, ये किसका रुका हुआ कार्य है? फैक्ट्री तो का कोई उम्मीद तो नहीं माँ, पर तो ये था कि आगे कारोबार करने के लिए। फैक्ट्री का नहीं, वैसे कारोबार भी नहीं। नहीं बच्चे, फैक्ट्री का आ रहा है ये, कोई गोदाम लेने की सोच रहा है? लेने तो बहुत सोचा था मां, पर अरे बाबू अरदास लगी है तो पूरा करूंगी ना। क्या है तू पूछा, इन बच्चों की आ रही है, तू कैसे आ सकता बीच में, इनके घर का है क्या? तो फिर किसने बोला ये है भाई? तेरे घर खुशी आई है, तीसरा बच्चा हुआ है पीढ़ी ने, नहीं ना? तो बैठ वहीं पे, बैठ जा, आपसे मत बैठ। ऐसे बीच में बोलते हो, शक्तियां आसे पासे हो जाती हैं फिर सामने। तो क्या करना है बाबू इसका? माँ मेरे परिवार के अंदर जो हो रहा है वो आप देखे रहो। बाबू हो नहीं रहा, वो किया जा रहा है, बस माँ आप ही किया जा रहा है दुश्मनों के थ्रू, ठीक है? और आज का नहीं, कई सालों से दुश्मनाई में किया जा रहा है। पांव किसके चोट लगी बच्चे एक्सीडेंट में? मेरी भी लगी, इनकी भी लगी, दोनों के। ये तो गिरी थी बाबू। जी माँ, चोट मेरी लगी थी माँ। रसोई में गुसल खाना है ना, जैसे ये आड़ा होता है जी माँ, इसको क्या बोलते हो जो जाल बना देते हैं हवा पास करने? रोशन जी माँ, है ना? हाँ माँ जी, हाँ जी, हाँ माता जी। बाबू ये खान साहब क्यों आए? माँ खान साहब भी है जी, जिसका पोत बच्चा हुआ है वो पहले उसपे किसी ने बताया कि इस पे कोई खान आ रखा है, तो माँ उसका उसको हम ला रहे थे अभी, तभी हम वो थोड़ा नई जगह पे आता है खान आया नहीं माँ, पर अभी हमें कोई प्रकट नहीं हुआ हो, और नहीं हमने इसको मतलब
कई हमारी जो माँ वैष्णो देवी या कुल देवी हमारी जो बात है उन्होंने बताया कि इस पे कुछ है। मैं ही हूँ बाबू वैष्णो दुर्गे, मैं बोल रही हूँ काली जय। तो माँ वो प्रकट निवार ना ही किसी ने उसको पूछा, ना कोई निकाला है कि क्यों किस लिए आया है, क्या कारण है और क्या चाहता है। तो माँ मैं आपके दरबार में आऊँ आपसे भी मांग, क्या करना है इस खान साहब को? माँ इसकी बुद्धि भ्रष्ट करके बच्चे की तो कर रखी है, तो ये खान है बता, खान तो काम होते ही हैं इनके उल्टे काम। माँ मुझे उपाय बताओ मैं क्या, मेरा वैष्णो दरबार इनको गंद खिंडाना। जी माँ बिल्कुल भ्रष्ट कर रहा है। अब बच्चे आ जाए ना बाबू, जी माँ, तो एक सूखा नारियल उसके सोते ऊपर को वार के और मेरे पास ले आना। कितनी बार माँ? सात बार। उसी के ऊपर ना? हाँ बाबू। जी माँ वो भी आए, उसको भी ले आपके दरबार में। उसके बाद पहले उसको सीधा खींच लूंगी, फिर आ पाएगा, वो ऐसे आ नहीं पाएगा रजी, उसका मन बहाना कर देगा। करते रहे मन बहाना। हाँ बहाना कर देगा, क्योंकि उसके बच्चे की बस की बात नहीं है, खान आने नहीं देगा। बोलो सात के दरबार की जय।